प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्या चल रहा है? सब बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार? कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। और अक्सर मैं आज का मेरा जो बातें मैं करना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे दरकिनार करते हैं, नहीं ध्यान देते, सोचते हैं कि चलो यार हो जाएगा। बट अगर आप जब भी ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा फेयर होता है क्लास 12th में जब बच्चे आते हैं, क्योंकि 11th में उनको समझ में बहुत कम बच्चों को आ पाता है कि ऑर्गेनिक की शुरुआत कहां से, क्योंकि बिकॉज ऑर्गेनिक बहुत बड़ा वास्ट हो जाता है क्लास 12th तक आते आते। उसको इजी कैसे किया जाए, आप कैसे उस पर कमांड कर सकते हैं? कमांड करने का सिंपल तरीका है, जब भी आप ऑर्गेनिक क्लास 12th की शुरुआत करते हैं, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक क्लास 12th, आज का जो टॉपिक है मेरा, इस पर मैं वापस आता हूं। सबसे पहला काम है क्लास 11th में जाइए वापस और उससे आप जीओसी की तैयारी शुरू कीजिए। मैं कुछ टॉपिक्स लिख देता हूं, जब तक आप इस टॉपिक पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक में बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन कि समझने में बहुत दिक्कत आएगी आपको, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। वो कौन कौन सा टॉपिक है? सबसे पहले अगर हम बात करें, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एक होता है कॉमन नेम, बहुत सारे कॉमन नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस्तेमाल किया जाता है, उस पे बच्चे कम ध्यान दे पाते हैं, उस पे ज्यादा फोकस कीजिए, वो भी जानना है। आईबीसी के साथ साथ क्या कॉमन नेम पे ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट में जीओसी में जो आता है वो इफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड पार्ट आपने देखिए इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस माइनस आर इफेक्ट, प्लस माइनस एम इफेक्ट इसे ही कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, प्लस माइनस ई की बात करते हैं, ये प्लस माइनस आई की बात करते हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है फिजन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे टूटता है उस पर ख्याल करना है। उसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इसकी पहचान करनी बहुत जरूरी है, जिसे हम ऑर्गेनिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक फिजन ऑफ बॉन्ड। फिर आते एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में, जिसमें अगर आप देखें तो कार्बोकेटायन आता है, कार्बो एनायन, कार्बन एनायन आते हैं, फ्री रेडिकल आते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बीन आते हैं और बेंजाइन है। आपको इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। कार्बोकेटायन क्या होता है, उसके स्टेबिलिटी, उसका अरेंजमेंट, तो बहुत डिटेल स्टडीज में थोड़ी करनी पड़ेगी अगर आप बेटर स्ट्रांग स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वही इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन। जब आप इन सब टॉपिक को गो थ्रू द क्लास 11th में अच्छी तरीके से जाएंगे, वन बाय वन, पहले इफेक्ट सारे पढ़ लीजिए आप इन तीनों को, उसके बाद बॉन्ड कैसे टूटता है, हेटरोलिटिक होमोलिटिक फिजन, उसके बाद रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसकी पहचान करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, बेंजाइन कम है बट इनको एक बार वन शॉट में आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे जाना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, इन सब पे अगर आप कमांड करेंगे तभी आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में, जब भी आप क्लास 12th में ऑर्गेनिक में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गो थ्रू दिस टॉपिक्स पे जाइए, पहले उसको क्लियर कीजिए, फिर क्लास 12th में ऑर्गेनिक को टच कीजिए। तो दोबारा से क्लास 11th को रिवाइज कीजिए। हाइड्रोकार्बन भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारे इन चारों चैप्टर में खूब मिलेगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आपको ये आपको ऑर्गेनिक को बेटर करना है, बेस्ट करना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस टर्म, इसको जरूर फॉलो करके चले, आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आप बेटर परफॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हैं।